जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, लिस्टिंग कैसे करनी है, मी टू और शिपिंग प्लान। तो उसका मैं एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ आपको। और उसके यानी कि जैसे कि कैटलॉग है, तो यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पे जाना है आपने। इसके बाद जो ASIN आप जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं, यानी कि वही प्रोडक्ट जो है उसका ASIN जो है वो आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसका ASIN कॉपी कर लेना है आपने। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट करना है, सर्च पर क्लिक करना है, कंडीशन सिलेक्ट करनी है, सेल दिस प्रोडक्ट, क्योंकि लिमिटेशन नहीं है इस पर कोई भी। वो सोर्सिंग से पहले हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई है, उसको देख लेना है। लिस्टिंग में मी टू करते हुए आपको प्राइस, क्वांटिटी, और सबसे पहले प्राइस क्वांटिटी ऐड करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल होगी। फिर हम इसकी प्राइस जो है वो एंटर करेंगे। उसके बाद कंडीशन जो है वो न्यू है हमारे पास। और उसके बाद FBA करना है या FBM करना है। अगर FBM करना है तो जस्ट इस पर क्लिक करके सेव एंड फिनिश पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो लिस्टिंग है वो मतलब एक्टिव हो जाएगी विद इन 15 मिनट्स, और ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव एंड फिनिश पर क्लिक करेंगे, लिस्टिंग तो हो जाएगी लेकिन फिर हमें शिपिंग प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक Amazon के वेयर हाउस में नहीं पहुंचेगी तब तक प्रोडक्ट लाइव नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि शिपिंग प्लान किस तरह से क्रिएट किया जाता है। इस चीज को हम देख लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, मैं इन पर क्लिक करती हूँ और जो इन्वेंटरी हमने लाइव की होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये वाली प्रोडक्ट है ये इस तरह से शो हो रही होगी, यानी कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो चुकी होगी लेकिन शिपिंग प्लान अभी क्रिएट नहीं किया होगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्शन ऑन वन सिलेक्टेड पर क्लिक करके, सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी पर क्लिक करके आपने शिपिंग प्लान क्रिएट करना है। शिपिंग प्लान में मैंने आपको बताया था कि वेट और डायमेंशन और बॉक्सेस इंडिविजुअल हैं या फिर एक ही बॉक्स के अंदर सारी आइटम्स हैं, ये क्या सिचुएशन है, वो सारी प्रेप सेंटर वालों से आपको पता चलेगी और उनसे आपने कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि प्रोडक्ट उनके पास होगी और जिस तरह से आप कहेंगे उस तरह से वो लोग पैकिंग करके प्रोडक्ट की दे देंगे। अब इसमें शिपिंग प्लान में जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एग्जैक्ट जब तक आप फिगर्स और फैक्ट्स एंटर नहीं करेंगे तब तक आपका शिपिंग प्लान जो है वो मतलब क्रिएट हो जाएगा प्रोडक्ट जब आप भेजेंगे। और अगर आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन और जब प्रोडक्ट रिसीव होगी उसमें अगर फर्क होगा तो अमेज़न आपकी इन्वेंटरी को होल्ड कर लेगा, वो लाइव नहीं करेगा जब तक उस चीज को हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे। समटाइम ये भी हो करना पड़ता है कि इन्वेंटरी वापस मंगवानी पड़ती है, तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ रही होती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट करें तो प्रेप सेंटर से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप शिपमेंट प्लान जो है वो इसका क्रिएट करें। ठीक है, तो एक मिनट ये लोड हो जाए तो मैं आपको शिपिंग प्लान को एक सा बता देती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं कि जब इन्वेंट्री अमेजोन के पास पहुंच जाएगी तो वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगी और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें ना मतलब जो शिपमेंट्स आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो ना वो मैनेज शिपमेंट में आएंगी आपके पास। तो मैनेज शिपमेंट पर जब आप क्लिक करोगे ना तो जो आइटम्स आपने सेंड किए हैं, जैसे 7th of September को हमने क्रिएट किया, 9th of September को हमने इस पे अपडेट किया और टोटल जो यूनिट्स हैं वो 136 हैं और ये रिसीविंग कंडीशन में आ रहे हैं। तो इसकी शिपमेंट तो हम यहाँ से ट्रैक करेंगे क्योंकि हम प्रोडक्ट कैरियर सर्विस को दे चुके होंगे। तो यहाँ पर ट्रैक शिपमेंट पर क्लिक करेंगे और ये देखें ये हमारा एड्रेस है और ये अमेज़ॉन ने जो एड्रेस दी है वो है,
और इस एड्रेस पर हमारी आइटम जो है वो शिप हो रही है। शिपमेंट हमने 7 तारीख को क्रिएट की। हमने पार्सल जो है वो जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे हमने लाइक हैंडओवर कर दिए, और इसके बाद ये डिलीवर्ड है, चेक इन है, यहाँ पर अमेजोन इसको रिसीव कर रहा है और स्कैन कर रहा है जितनी भी शिपिंग आईडीज वगैरह हैं। तो ये इसकी फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, यहाँ पर हमारी आइटम्स जो हैं वो जाएंगी, और जब अमेजोन इन सब में डिसबर्स कर देगा हमारी इन्वेंट्री, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि एक हम भेजते एक में है अमेजोन, बाकी हमारी इन्वेंट्री को खुद डिफरेंट स्टेट्स की वेयर हाउसेस में भेज देता है। जब ये सारे फुलफिलमेंट सेंटर्स में ट्रांसफर हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट, तो शिपमेंट यहाँ से क्लोज हो जाएगी और अमेजोन कंफर्म करके हमारी इन्वेंट्री को लाइव कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, योर शिपमेंट विल एंटर क्लोज स्टेटस जब अमेजोन जो है वो सारे यूनिट्स रिसीव कर लेगा जितनी क्वांटिटी आपने शिपिंग प्लान क्रिएट करते हुए की होगी, और अमेजोन जो है वो आपकी शिपमेंट जो है वो रिसीव करता रहेगा जो कि ऑलरेडी ट्रांजिट में है। लेकिन आप फर्दर अगर आप 136 यूनिट की शिपिंग प्लान क्रिएट किया तो वो 136 के बाद फर्दर यूनिट्स को यहाँ से रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से शिपमेंट प्लान्स जितने भी होते हैं उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्ट अमेजोन को सारी रिसीव हो जाएगी तो फिर हमें किस तरह का स्टेटस इन्वेंट्री का शो होगा, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक मिनट, ये ओपन हो जाए। ये जिसके अराउंड बॉक्स बना होते हैं ये एफबीएम की लिस्टिंग होती है। ठीक है, और जैसे इसके 3 पीस यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो ये एफबीए की लिस्टिंग है, ये इस वक्त एक्टिव कंडीशन में है। यहाँ पर देखें, ये एक्टिव कंडीशन में है। उसके बाद फर्दर जो है अगर किसी लिस्टिंग में प्राइस को चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए, हर प्रोडक्ट के अंगेंस्ट जो है वो यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये प्राइस नजर आ रही है हमें, प्राइस और शिपिंग कॉस्ट ये वाली। ठीक है, यहाँ पर हम अगर इस प्राइस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी प्राइस हम यहाँ पर 90 या जो भी हम प्राइस यहाँ पर करते हैं, वो करने के बाद हमने सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की अपडेट हो जाएगी। तो समटाइम ये होता है कि प्राइस कंपटीशन चल रहा होता है प्रोडक्ट में, जैसे ये प्रोडक्ट है अमेजोन इसको 1187 में सेल आउट कर रहे हैं, और बाकी जो सेलर्स हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितने में सेल कर रहे हैं। ये स्टैट्स इसलिए सही नहीं आ रहे क्योंकि इसमें ये चीज सही अप्लाई नहीं हुई हुई। अच्छा, अब जो है वो इसके स्टैट्स हम देख लेंगे कि दूसरे जो सेलर्स हैं वो 3 सेलर्स दूसरे हैं, यानी कि टोटल 3 सेलर्स हैं, बाकी 1699 में और 1754 में ये लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो हमें जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि हमने कितनी प्राइस में सेल करना है। समटाइम ये होता है जैसे ये 1187 में सेल हो रही है, ये 1699 में, तो अमेजोन के बाद बाय बॉक्स इसी कम प्राइस वाले को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि 1699 की बजाय 1690 प्राइस लगा देते हैं, तो हम सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। अभी ये बंदा सेकंड नंबर पे है, फिर हम सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, तो प्राइस अपडेटिंग हमें करनी पड़ती है अकाउंट में। ठीक है, चाहे एफबीए हो चाहे एफबीएम हो, प्राइस अपडेट हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखें, हम प्राइस को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस अपडेट करके जो भी हम इस तरह से करेंगे उसके बाद हमें सेव पर क्लिक कर देना है, तो हमारी जो प्राइस है वो अपडेट हो जाएगी प्रोडक्ट की। सो कट इन शॉर्ट, यहाँ पर जो लिस्टिंग है उसको हम डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, अगर हम कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं उसमें तो वो कर सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि लिस्टिंग को मी टू किया है, हम उसकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेजेस, इन सारी चीजों को हम नहीं चेंज करेंगे। हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी अगर अपडेट करनी है, और अगर हम लिस्टिंग को टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज करना चाह रहे हैं तो उसको क्लोज करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्लिक करना है और क्लोज लिस्टिंग पर आप क्लिक करोगे तो लिस्टिंग टेम्परेरी बेसिस पर क्लोज हो जाएगी, इसको दोबारा से भी अनक्लोज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर डिलीट करना चाहते हैं लिस्टिंग को तो यहाँ से आपने क्लिक करना है और डिलीट पर क्लिक कर देना है, तो आप जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा चेंज टू फुलफिलमेंट फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, अब क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये हम एफबीएम कर रहे हैं, यहाँ से आपको आप देख सकती हैं कि 284
यूनिट्स इसके अवेलेबल हैं और एफबीएम के हैं। अगर आप सिर्फ एफबीएम की इन्वेंटरी देखना चाहती हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। अच्छा एक मिनट, इसको पहले अनचेक करते हैं। ठीक है, अब जितनी भी एफबीएम की लिस्टिंग्स हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हम एफबीए की लिस्टिंग सिर्फ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, और सारी एफबीए की लिस्टिंग्स हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी जो कि अमेजोन के वेयर हाउसेस में हमने प्रोडक्ट्स को भेजा हुआ है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जो ऑर्डर्स आते हैं वो मैनेज ऑर्डर्स पर क्लिक करना है यहाँ पर, और फिर हम ऑर्डर्स को यहाँ से देख सकते हैं। अब आप देखें कि पेंडिंग ऑर्डर्स आएंगे आपके पास, अनशिप आएंगे, कैंसिल आएंगे और शिप्ड आएंगे। पेंडिंग का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर है उसने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया लेकिन पेमेंट अभी उसकी वेटिंग में है, यानी उसने अभी पेमेंट नहीं की इस प्रोडक्ट इस ऑर्डर से रिलेटेड। तो 6 घंटे पहले उसने जो है वो प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया लेकिन उसने पेमेंट अभी उसकी वेरीफाई नहीं हुई या वेटिंग में है, जिसकी वजह से अभी हमें इस ऑर्डर को प्लेस नहीं करना, यानी कि सेंड नहीं करना कस्टमर तक जब तक अमेजोन उसकी प्राइस जो है वो रिसीव ना कर ले। अच्छा, ये ऑर्डर है जो कि अनशिप है, अभी हमने कस्टमर को भेजने हैं, कंफर्म हुए हैं अमेजोन ने उनकी पेमेंट ली हुई है लेकिन अभी हमने ऑर्डर्स को कंफर्म नहीं किया। और ये ऑर्डर सारे मैं आपको दिखा कौन से रही, ये देखें सेलर फुलफिल लिखा हुआ है, यानी कि हमने अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स को इन सबको शिप करना है। ये जितने भी ऑर्डर आए हुए हैं सारे हमने अपने वेयर हाउस से शिप करने हैं, कल के ऑर्डर हैं। तो इसमें कंफर्मेशन कैसे करनी है एफबीएम के ऑर्डर्स की, ये देखो ऑर्डर आईडी यहाँ पर ओपन करेंगे क्लिक करके, यहाँ पर देखो ऑर्डर आईडी आ रही है प्रोडक्ट की, यहाँ पर शिप बाय डेट आ रही है, यानी कि इस ऑर्डर को हमने हर सूरत जो डिलीवरी कैरियर सर्विस है उसको हमने 22nd of September तक लाजमी देना है। अगर नहीं देंगे तो हमारे अकाउंट की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी और अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। अब यहाँ पर देखो 22nd of September तक अगर हम कंफर्मेशन इस ऑर्डर की नहीं करते तो अकाउंट की हेल्थ भी खराब होगी और कस्टमर भी ऑब्वियसली उसको लेट प्रोडक्ट पहुंचेगी। अब प्रोडक्ट कब तक पहुंचनी चाहिए, 29 से 2 अक्टूबर के दरमियान प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। तो 2 दिन का इसमें टाइम है कि हम कैरियर सर्विस को दे दें और बाकी 29 से 2 अक्टूबर के दरमियान जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर तक जानी चाहिए। ठीक है, और इसमें हम अगर अमेजोन से शिपमेंट बाय करना चाहते हैं, अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखें कि शिप टू का मतलब ये है कि किस कस्टमर तक भेजनी है। ये कस्टमर का नाम है एलन, ठीक है, और ये कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस है, ठीक है, 1729 ऑटम मीडो डीआर फेयरफील्ड कैलिफोर्निया, और ये उसका जिप कोड है, ठीक है, ये वाला, और ये बायर का फोन नंबर है। लेकिन फोन नंबर हम डायरेक्टली क्लाइंट को या कस्टमर को फोन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर फिर भी गिवन होता है, ठीक है, लेकिन ये अमेजोन की एक्सटेंशन के थ्रू होकर कॉल जाती है अगर करनी हो तो, वैसे नहीं जा सकती। अच्छा, अब ये ऑर्डर है और ये उसकी कंडीशन है, ये ऑर्डर आईडी है, 1 क्वांटिटी भेजनी है, ये उसने प्राइस हमें दी हुई है और ये मतलब टैक्स वगैरह मिलाकर उसने हमें पे किया हुआ है। अब अगर हम अमेजोन से शिपमेंट बाय करना चाहते हैं तो हम बाय शिपिंग पर क्लिक करेंगे और अमेजोन से शिपिंग जो है वो बाय कर लेंगे। अमेजोन कहते हैं कितना वेट है, एग्जैक्ट वेट बताओ और इसके ओज बताओ, यानी कि पाउंड और ओज में एग्जैक्ट वेट बताओ। अब यहाँ पर अमेजोन हमें मतलब चार्जेस बता रहा है कि $7.6 जो है वो USPS के थ्रू, और अगर USPS प्रायोरिटी मेल लीगल फ्लैट रेट इनवेलप अगर लेंगे तो वो 25th को ही पहुंचेगा लेकिन $7.90 में पहुंचेगा, और ग्राउंड एडवांटेज क्यूबिक जो है वो 8.03 में पहुंचेगा। तो इसके अलावा सिर्फ डिलीवरी कंफर्मेशन करनी है, सिग्नेचर, अगर हमने सिग्नेचर भी करवाने हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी, अब ये 11.43 में हमें प्रोडक्ट जो है वो पड़ रही है। इसके सी डिटेल पर क्लिक करते हैं तो देखें बेस रेट 8.03 है और सिग्नेचर कंफर्मेशन के $3.40 वो ले रहे हैं। तो सिग्नेचर कंफर्मेशन जरूरी नहीं होती, डिलीवरी कंफर्मेशन जरूरी होती है,
कि डिलीवर हो जाए। तो जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोरियर सर्विस, जो USPS है, ये जिस तरह पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस है, वहां पे जो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से है कैरियर सर्विस, वो USPS है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेट और डायमेंशन एंटर करेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा, और बाय शिपिंग पर क्लिक करेंगे तो हमारे अमेजोन के अकाउंट में से ये वाले पैसे कटेंगे और एक शिपिंग लेबल हमें मिल जाएगा जिसको हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद जो बॉक्स होगा वेयर हाउस में, उस बॉक्स के ऊपर इसकी पेस्टिंग करनी है। पेस्टिंग करके कैरियर सर्विस को बस दे देना है, पैसे नहीं देने कैरियर सर्विस को, क्योंकि ऑलरेडी अमेजोन पे कर चुका होगा। तो हमने सिर्फ बॉक्स जो है वो वहां तक पहुंचाना है कैरियर सर्विस तक। और ये देखें यहाँ पर लेबल को प्रिंट भी कर सकते हैं हम। जो भी लेबल यहाँ पर जनरेट होगा, जब यहाँ पर बाय कर लेंगे ना, तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके उस डब्बे पर लगाना है, और लगाने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगी जब आप कैरियर सर्विस को पार्सल पकड़ाएंगे। जब ट्रैकिंग मिल जाएगी तो फिर आपने कंफर्म शिपमेंट पर क्लिक करना है, बॉक्स जब आपने कैरियर सर्विस को दे दिया। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही जाए, मतलब जो आपके प्रेप सेंटर वाले हैं, वो उनके पास भी ये फैसिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली USPS को या फेडेक्स को या UPS को जो है आपकी प्रोडक्ट दे देते हैं, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं ये वाली शिपिंग। अच्छा, अब जब आपको मिल जाएगी ट्रैकिंग, तो आपने जैसे USPS की हमने ट्रैकिंग फॉर एग्जांपल बाय की है, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद प्रायोरिटी मेल थी ये वाली, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो भी वो उधर आ रही होगी वही आपने एंटर करनी है। फिर वो जो ट्रैकिंग उन्होंने दी होगी, वो ट्रैकिंग यहाँ पर एंटर करके कंफर्म शिपमेंट पर क्लिक करेंगे, तो ये ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर तक पहुंच जाएगी। और ये जो ऑर्डर है ये अनशिप से निकल के शिप्ड ऑर्डर में चला जाएगा। यहाँ पर 122 हो जाएंगे क्योंकि हम ऑर्डर कंफर्म कर चुके होंगे। देखिए ये ऑर्डर कंफर्म हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख लो कि इसकी USPS, USPS ग्राउंड और ट्रैकिंग आईडी जो है वो एंटर की हुई है, इसलिए ये जो है वो मतलब आप समझो कि प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर में नजर आ रही है, शिप में नजर आ रही है। इस तरह से होता है। और ये कैंसल्ड ऑर्डर्स होते हैं। कैंसल ऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल किया होता है और एक सेलर ने ऑर्डर कैंसिल किया होता है। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर हमारे पास आया, हमारे पास ये प्रोडक्ट किसी भी वजह से हम इस एड्रेस पर शिप नहीं कर पा रहे, या फिर हम इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ये कोई भी मसला है, हम अगर इस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो हमारा कैंसिलेशन रेट इंक्रीज होगा। और कुछ ऑर्डर्स इस तरह के भी होते हैं जो कि कस्टमर ने कैंसिल किए होते हैं। देखो ये वाला, जैसे ये येलो बॉक्स जिसके ऊपर आया हुआ है, ये कस्टमर ने कैंसिल किया, बायर कैंसिलेशन लिखा हुआ आ रहा है और कैंसिलेशन रीजन अदर आ रही है, उसने बताया नहीं है। तो जब कैंसिल बायर करेगा, खरीदने वाला करेगा, तो अकाउंट की हेल्थ पर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर ऑर्डर हमने खुद कैंसिल किया है, हमारी टीम ने कैंसिल किया है, हम सेलिंग कर रहे हैं, हमने कैंसिल किया है, तो हमारे अकाउंट की हेल्थ पर प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये चारों चीजें मैंने आपको सेलर फुलफिलमेंट के हिसाब से, यानी कि अपने वेयर हाउस से अगर आप शिप कर रहे हो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर देखो FBA ऑर्डर, क्योंकि इन्वेंट्री अगर FBA में आपने भेजी है तो ऑटोमेटिक अमेजोन जो है वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है, उसमें हमारा कोई भी मतलब वो नहीं है, हमारा कोई भी रोल नहीं है। इन्वेंट्री अमेजोन के पास है, ऑर्डर आएगा, अमेजोन खुद ही उसे डिलीवर करके स्टेटस अपडेट करता जाएगा। अब ये देखो ये ऑर्डर कैंसिल है, रीजन जो है वो अनस्पेसिफिक है। उसके बाद एक मिनट, इसको रीलोड करते हैं, थोड़ा अजीब सा नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो अमेजोन पेंडिंग में है, वेट कर रहा है पेमेंट का, पेमेंट का, ठीक है। जिसकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है उसकी ऑटोमेटिक अमेजोन जो है वो प्रोडक्ट को शिप कर देता है। जैसे यहाँ पर देखें ऑर्डर आईडी, इस पर अमेजोन ने पेमेंट कंप्लीट करके इस ऑर्डर को कंफर्म किया हुआ है, तो अमेजोन ने खुद से प्रोडक्ट को भेजा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसमें जस्ट अमेजोन खुद ही से प्रोडक्ट्स को भेजता है, रिटर्न आता है तो खुद ही हैंडल करता है। अगर प्रोडक्ट में कोई भी इशू आता है, या सेलर कहता है, सॉरी बायर कहता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, या जो भी इशू है वो अमेजोन खुद ही हैंडल कर रहा होता है। हमारा काम सिर्फ
अमेजोन तक इन्वेंटरी पहुंचा देना होता है। उसके बाद सारा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, अब ये चीज हो गई, और इसके बाद मैं आपको रिटर्न्स या रिफंड बताती हूँ, क्योंकि रिटर्न और रिफंड सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑफर में आता है, यानी कि जो हम अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर फॉर एग्जांपल शिप्ड ऑर्डर है ये वाला, मैं आपको एक्चुअल में केस दिखाती हूँ, मिल गया। यहाँ पर देखें, ये बायर के मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं कि 5 बायर ऐसे हैं नॉर्थ अमेरिका के, सॉरी वन जो है वो यूएस का, और 4 यूएस के हैं और 1 कनाडा का, जिनको कोई इशू है। ठीक है, बायर मैसेजेस। अब यहाँ पर टॉप पर ना, यहाँ पर देखो, ये एक लेटर का बटन होता है यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, इस लेटर के बटन पर जब हम क्लिक करते हैं ना, तो क्लिक करने के बाद जो भी कस्टमर के मैसेजेस आ रहे होते हैं वो यहाँ पर हमें नजर आते हैं। अब जो कस्टमर के मैसेजेस हैं, इनको within 24 आवर्स हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है, अगर हम नहीं करते तो अमेजोन उसको नेगेटिव कंसीडर करता है, हमारे अकाउंट में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप देखें, बायर ने मैसेज किया, इज द पिक्चर ऑन स्वेटर एम्ब्रॉयडर्ड और प्रिंटेड, इज इट पॉसिबल टू सी अ प्रीव्यू बिफोर वी प्रिंट एम्ब्रॉयडर इट। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये प्रिंट हो चुका है और ये फाइन है। बाय चांस कैन यू शो मी व्हाट द पिक्चर लुक्स लाइक इन आर्ट फॉर्म, आई एम वंडरिंग इफ इट शोज ओके और इफ इट शुड डू अनदर। ठीक है, हाउ डू यू वांट इट। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि ब्लैक ऑन पिंक इज प्रो बेटर, आई सॉ समवन एल्स हु हैड स्वेटर्स, यू डू नॉट हैपन टू हैव दोज, डू यू। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन पूछा है, आप फिर दोबारा इसको जवाब देना है। ठीक है, इसी तरह से ये क्लाइंट है, एब्सोल्युटली थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू। फिर उसके बाद उसने कुछ और पूछा, फिर कुछ और पूछा, मतलब ये कि क्योंकि ये प्रिंटिंग का काम हो रहा है इस अकाउंट के ऊपर, तो वो मतलब उस लिहाज से कस्टमर के मैसेजेस यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो इसको अगर हमने रिप्लाई करना होता है, मतलब इस सेलर को या इस बायर को, तो वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अगर आपने जवाब देना है तो यहाँ पर क्लिक करें, अगर कोई रिस्पॉन्स नीड नहीं है तो यहाँ पर क्लिक कर दें, इस तरीके से है। अब देखो, ये प्रोडक्ट है, ये उसकी ऑर्डर आईडी है, अब हमें इसके ऑर्डर को देखना है। अगर कि इसके ऑर्डर को देखकर ही हम जवाब देंगे ना, तो यहाँ से कॉपी कर लें इस ऑर्डर आईडी को, और यहाँ पर अमेजोन की नेक्स्ट टैब ओपन करके, और जो ऑर्डर्स का पोर्शन है मैनेज ऑर्डर्स, यहाँ पर जाकर इस ऑर्डर आईडी को पेस्ट करके सर्च करते हैं। ये वो एग्जैक्ट ऑर्डर आ गया जिसके बारे में कस्टमर जो है वो कुछ पूछ रहा है। अब कस्टमर इसमें क्या पूछ रहा है, येस इट वी आर सॉरी टू हेयर दैट देर इज अ प्रॉब्लम विद योर ऑर्डर, इफ येस प्लीज कंफर्म द एड्रेस, वी शुड शिप द रिप्लेसमेंट टू। ठीक है, हमने कहा कि हम रिप्लेसमेंट दे देंगे। ठीक है, येस इट्स द लीस्ट यू कैन डू, ये एड्रेस उसने दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखना है कि इसको प्रोडक्ट जो है वो क्यों नहीं मिली। अब यहाँ पर देखो, शिपिंग भी उसने पे की हुई है, आइटम का टोटल हर चीज उसने मतलब यहाँ पर किया हुआ है, पेट बाउल है ये उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। तो आप यहाँ पर अब आपने देखना है इस ट्रैकिंग के थ्रू कि असल में प्रॉब्लम क्या आई है इस ऑर्डर में। तो आपने जो है वो इस ट्रैकिंग आईडी को कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यूपीएस, यूपीएस ग्राउंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूपीएस जो है वो लिखेंगे, यूपीएस की ट्रैकिंग। ठीक है, हमने ट्रैकिंग करनी है यूपीएस की जो हमें यहाँ पर अवेलेबल है। ये ट्रैकिंग नंबर जो हमने कॉपी किया था, इस सब को ऊपर से खत्म कर देंगे और इसको हम ट्रैक कर लेंगे यहाँ से। अब आप देखें, ये डिलीवर हुआ है प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ ऑफ डिलीवरी देख लेंगे कि क्या है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। अब यहाँ पर देखें, ये वेट था, ये शिप था,
ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम सारी चीजों को देखने के बावजूद यहाँ पर व्यू फोटो एंटर द डेस्टिनेशन पोस्टल कोड टू व्यू द फोटो। अब यहाँ पर जो इसने पोस्टल कोड दिया ना, इसको हम यहाँ से जरा कॉपी करेंगे। ठीक है, और व्यू फोटो पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर देख लेंगे कि देखेंगे इसके डोर स्टेप पर जो है वो प्रोडक्ट शिप हुई हुई है। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको डिलीवरी दिखाएं, लेकिन वो फिर भी रिफंड हमसे मांगेगा। तो अभी उसने जो है वो रिप्लेसमेंट जो है वो मांगी है, तो हमें रिप्लेसमेंट ही देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि इस तक कोई ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं है, इट्स लॉस्ट एंड देयर वाज बर्थडे प्रेजेंट एंड वॉन्ट अराइव इन टाइम। इस तरह करके उसने जो है वो सारी चीजें की हैं। तो ऑटोमेटिक इन्होंने सारी चीजों के बारे में बताया भी है कि ये ऑर्डर आईडी है, ये प्रोडक्ट की रिक्वेस्टिंग फॉर द आइटम हैज नॉट अराइव्ड एट स्केड्यूल रिक्वेस्टिंग फॉर रिफंड। ठीक है, प्लीज सेंड द स्टेटस अपडेट टू कस्टमर। फिर इन्होंने कहा है कि अमेजोन ऑलरेडी रिफंड कर चुका है, द फर्स्ट टाइम आई रिक्वेस्टेड दिस बाउल फॉर। ये दोबारा से उसने पता नहीं पैसे ले भी लिए हैं, फिर भी वो मतलब क्लाइंट जो है वो इस तरह से कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से भी होता है। अब आपको अगर रिफंड देना है तो आप किस तरह से रिफंड दोगे? यहाँ पर रिफंड ऑर्डर पे क्लिक करोगे। क्योंकि कस्टमर समटाइम आपके साथ स्कैम भी कर रहे होते हैं, आप देखो हर चीज का प्रूफ है, लेकिन फिर भी रिफंड अगर देना पड़े तो इस तरह से देना होता है। ये सारी चीज है। अब रिफंड की अमाउंट आप यहाँ पर लिखोगे कि कितनी रिफंड, कितना रिफंड आपने देना है। ठीक है, $20 का, $20 मैक्सिमम है जो आप दे सकते हो, वो रिफंड यहाँ पर आपने लिख कर और यहाँ पर सबमिट कर देना है, सबमिट रिफंड। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट रिफंड करोगे आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और आप उसका जो प्रूफ है वो कस्टमर को दे दोगे कि भाई हमने रिफंड कर दिया है। ज्यादा वो स्क्रीनशॉट अटैच करके यहाँ पर कस्टमर को अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम कस्टमर को रिफंड जो है वो इशू कर सकते हैं। सो यहाँ तक इसको मेरे ख्याल से वाइंड अप कर देते हैं। कल जो क्लास मैं आपकी लूंगी उसमें अकाउंट हेल्थ और बाकी मैनेजमेंट, आज मैंने आपको ऑर्डर मैनेजमेंट जो है वो बताया कि ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है। तो अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पहले पूछ